जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड का नया अपडेट। आज के इस बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अब छात्रों को 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि छात्रों को अब स्कूल जाना अनिवार्य हो गया है, स्कूल कॉलेज करना जरूरी हो चुका है। 75% आपका जो उपस्थिति है वो आपको करना ही पड़ेगा। जिन छात्रों की उपस्थिति इससे कम होगी, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ये परेशानी आ सकती है, कठिनाई हो सकती है। बिहार बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि वर्ष 2025 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में इसे लागू किया जाएगा। छात्रों की स्कूल में उपस्थिति 75% नहीं होगी, उन्हें परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। इसकी जानकारी पहले ही स्कूल को दे दी जाएगी। यानी कि पहले ही आपको 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपका 75% अगर आपका उपस्थिति नहीं रहता है स्कूल में या कॉलेज में, 10वीं या इंटर में, तो आपको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल में उपस्थिति को ठीक करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यानी कि क्या होता है कि अभी बच्चे लोग नाम तो लिखवा लेते हैं लेकिन स्कूल में नहीं जाते हैं, तो ये बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूल में, इसके लिए उपस्थिति के ठीक करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन आग्रह यही है कि बच्चे लोग भी स्कूल जाएँ और वहाँ पर क्लास करें। अगर किसी स्कूल में क्लास नहीं होती है तो आगे आप प्रधान अध्यापक को ये बता सकते हैं, लेकिन स्कूल जाइए, 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि हर दिन देनी होगी उपस्थिति की जानकारी। यानी कि स्कूल में बताया गया है कि हर दिन उपस्थिति की जानकारी देंगे। ये किस प्रकार से दिया जाएगा ये आप देख लीजिए। स्कूल में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए बोर्ड ने एक ऐप तैयार कर रहा है। इस ऐप पर सभी स्कूलों को जोड़ा जाएगा, यानी कि सभी बिहार में जितने भी स्कूल है सभी स्कूल को जोड़ा जाएगा और उसमें जो उपस्थिति है उपस्थिति की जानकारी दे दी जाएगी, उसमें दी जाएगी। ऐप पर स्कूल प्राचार्य को छात्रों को हर दिन का उपस्थिति अपडेट करनी होगी, के माध्यम से करनी होगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मासिक मूल्यांकन के लिए बनाया जा रहा है। ऐप के माध्यम से हर दिन उपस्थिति की जाएगी। अभी महीने के अंतिम दिन उपस्थिति भेज दी जाती है, अब ऐप पर हर दिन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि महीने के अंत में उपस्थिति भेज दी जाती है कि इतने बच्चे स्कूल में आए, लेकिन क्या होगा ऐप बनने के बाद, अपडेट होने के बाद, जो प्रधानाध्यापक हैं उनको सभी दिन डेली उनको उपस्थिति ऐप पर अपलोड करना होगा। तो ये जो बिहार बोर्ड का जो अपडेट है वो नया अपडेट है, और बच्चों से भी अनुरोध है कि आप लोग स्कूल जाएँ, स्कूल में पढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप रेगुलर क्लास करें। इसलिए यह बोर्ड की तरफ से ये बड़ी अपडेट है कि 75% आपको उपस्थिति जाना ही है स्कूल में। अगर 75% उपस्थिति से कम रहता है तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि स्कूल कीजिए, कॉलेज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार के न्यूज़ देखने के लिए या बोर्ड का जो भी जानकारी है जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।